नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रोशन, आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो सेशन में, बहुत ही कमाल की शानदार ट्रेनिंग सेशन में। आप सभी लोग सोचेंगे कि आज की वीडियो कौन सी ट्रेनिंग है। यूं तो दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन जो लोग भी इस थंबनेल को देखने के बावजूद भी उसे समझ में नहीं आया कि ट्रेनिंग क्या है और इसमें क्या बातें होने वाली है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि दोस्तों ग्लेश ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा एक ट्रेनिंग सेशन बनाया गया है, जिस ट्रेनिंग सेशन का नाम है दोस्तों गैलवे कृषम ट्रेनिंग। कृषम ट्रेनिंग में दोस्तों कृषि संबंधित बहुत सारी बातें होती है और कृषि संबंधित बहुत सारी चर्चाएं होती है, जिनसे हमें कृषि को, किसानों को, खेती बाड़ी को और उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उस खेत को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, इन तमाम बातों की जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम सभी लोग तो ऑलरेडी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम सभी लोगों को तो पता ही है कि खेती कैसे किया जाता है, कृषि किया जाता है कैसे किया जाता है, तो इसमें नई बात क्या है? दोस्तों हम सभी को पता है और हमें अच्छी तरह से पता है कि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे। यदि किसान परिवार से आज बिलोंग नहीं करते होंगे तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज किसान परिवार से जरूर बिलोंग करते होंगे। यानी आप सभी, हम सभी का नींव दोस्तों किसानी पर ही रखा गया है, यानी हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों हम सभी लोगों को ये जानना बड़ा जरूरी है कि खेती बाड़ी होती क्या है, कृषि होती क्या है और इस कृषि क्षेत्र में कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। बोलेंगे कि हम सभी लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या है? दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जज कीजिएगा कि इसमें कुछ नई बातें चर्चा हुई है या नहीं। इस वीडियो में कुछ ऐसी चर्चाएं होने वाली है दोस्तों, जो आज तक आपने पहले कभी नहीं सुना या फिर कभी भी ये चीज समझने का, जानने का मौका नहीं मिला। एक नई चीज आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हजारों वीडियो आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते हुए टाइम बिता देते हैं, लेकिन उस वीडियो से कोई जानकारी नहीं मिलती, बस मिलता है इंटरटेनमेंट, जो कि एक मनोरंजन के लिए ही है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको वो जानकारियां मिलेगी दोस्तों, जिससे कि आज आप इस नॉलेज को लेकर के हजारों से हजारों की तादाद में, लाखों से लाखों की तादाद में हमारे देश के किसान को सही जानकारी, कृषि की सही जानकारी आप दे सकते हैं और उन व्यक्ति से जो हमारे देश की जीडीपी, हमारे अर्थव्यवस्था जो उठती है, उसमें आप एक अहम योगदान निभा सकते हैं। मैं तो योगदान निभा रहा हूं आपको बता करके, अब आपकी बारी है दोस्तों। शुरुआत करते हैं इस कृषम ट्रेनिंग को, गैल्वे कृषम ट्रेनिंग को। दोस्तों इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल रोशन 760 गैल्वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, ताकि बेल आइकन दबाने से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों गैल्वे कृषम। कृषम जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट लग रहा होगा, कृषम यानी खेती बाड़ी, कृषि। कृषि को जानने से पहले हम सभी लोग जानते हैं किसान को, और किसान को समझाने की जरूरत नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि किसान होता क्या है। किसान हमारे देश का वो हिस्सा है दोस्तों, जिसकी वजह से पूरे विश्व के लोग अपना पेट भरते हैं, पूरे विश्व के लोग जीवित हैं, पूरे विश्व के लोगों में जो ऊर्जाएं दौड़ रही हैं, जो एनर्जी दौड़ रही है, जिस एनर्जी के दौर दम पे वो दुनिया का तमाम काम कर पा रहे हैं, अपने पेट भर पा रहे हैं, वो दोस्तों किसानों की बदौलत ही संभव है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे देश के, भारत देश के किसान और तमाम किसानों को दिल से अभिनंदन है, सैल्यूट है, ऐसे जज्बा रखने के लिए और इतनी मेहनत से हमारे देश में अनाज उपजाने के लिए और हम सभी का पेट भरने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये छोटी सी इंट्रोडक्शन हमारे देश के किसानों के लिए, वीडियो तो दोस्तों किसानों के बारे में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सभी लोग किसान ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ होना चाहिए था उसके बारे में। अगली बातें करते दोस्तों कृषि के बारे में। कृषि, कृषि हमारे देश का एक ऐसा पहलू है दोस्तों, जिस कृषि के दम पर हमारे देश का जीडीपी टिका हुआ है, या यूं बोले दोस्तों इस कृषि के बेस पर भी विश्व का जीडीपी टिका हुआ है। ये कृषि का स्तर यदि खत्म हो गया, कृषि यदि खत्म हो गई तो देश ही नहीं बचेगा, जीडीपी क्या बचे? क्योंकि दोस्तों कृषि के से उपजा हुआ अनाज ही तो हम खाते हैं, और वो अनाज, कृषि खत्म तो अनाज खत्म, अनाज खत्म तो हम सभी लोग भूखे रहेंगे और ये देश क्या, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।
तो दोस्तों हम पूरे विश्व की ना बात करके सबसे पहले भारत देश की बात करते हैं। दोस्तों 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग मुक्त हुए थे, तो दोस्तों हम सभी लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। हम सभी लोग के भारत के सभी दो लोगों ने बहुत सारी खुशियां मनाई कि हम सभी लोग अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गए। एक अपना भारत जिसे हम अब कह सकते हैं, जिस पर किसी और का शासन नहीं होगा, यह हमारा देश होगा, हम सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों उस खुशी के साथ साथ एक गम छुपी हुई थी जो सबको पता था, लेकिन कुछ ही समय के बाद सामने उभर के आई। वो दोस्तों भूख। 1947 के बाद सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आई दोस्तों, वो है दोस्तों भूख की समस्या। बोलेंगे हमारे देश में तो इतने जमीन थे, इतने जगह थे, इतने कृषि क्षेत्र भूमि थी, तो क्या हमारे देश के लोग उस समय भूखे क्यों मर रहे थे? क्योंकि दोस्तों भूमि तो थी, लेकिन लोग कृषि नहीं किया करते थे। उससे पहले क्या खाना है, कितना खाना है, वो सारा तय अंग्रेज किया करते थे। और कृषि लोग उतना ही किया करते थे, उसमें भी लगान, उसमें भी कर बहुत ज्यादा देना पड़ता था अंग्रेजों को, जिसकी वजह से ज्यादा लोग कृषि नहीं करते थे, क्योंकि उसकी उसकी लागत ही नहीं उतनी निकल पाती थी। तो वो अंग्रेजों को क्या देता, खुद क्या खाता था। बहुत कम मात्रा में कृषि हुआ करती थी और ज्यादातर बाहर से ही अनाज आता था, और इस देश पर राज किया करते थे अंग्रेज। यानी कि दोस्तों बहुत कम मात्रा, यूं बोले कि उतना ही अनाज उपजाना जितना कि हम लोग खा सके, बस पेट भर सके, उतना ही अनाज उपजता था दोस्तों। तो ये एक समस्या बहुत तेजी से उभर के आई, ये भूख की समस्या। कृषि ना होने की वजह से यह समस्या बहुत ही बड़ा रूप ले रही थी। और दोस्तों उस समय की आबादी की बात करें तो बहुत सारे साइट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मेंशन है, कहीं पे 33 करोड़ है, कहीं पे 34 करोड़ है, कहीं पे 35 करोड़ है, कहीं पे 37 करोड़ है। तो एक एवरेज मान लेते हैं कि 35 से 40 करोड़ की आबादी 1947 में थी। 35 से 40 करोड़ की आबादी भारत में थी 1947 में। लेकिन दोस्तों उस 35 से 40 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उतनी मात्रा में हमारे देश में अनाज नहीं थे। क्लियर है दोस्तों? तो 1960 के पहले जो लोग भी कृषि किए, उस 1960 से पहले कृषि करने का एक तरीका था, जिस तरीका को कहते थे हम लोग बौरानी खेती। शायद आप सभी लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आपके लिए नया शब्द है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बौरानी खेती होती क्या है? बौरानी खेती एक ऐसी खेती होती है, यूं समझ ले कि एक खेत का दो हिस्सा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, यानी बीच में एक हम लोग किधर आड़ी बोलते हैं, आप लोग किधर जो बोलते हो, तो एक होता था और दो हिस्से कर दिए जाते थे खेत को, और एक हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता था और एक हिस्से में अनाज उपजाया जाता था। और जो हिस्से खाली छोड़ दिया जाता था उसमें हमारे घर के जो चूल्हे से निकले हुए राख थे, मवेशियों के जो गोबर थे, ये सारी चीजें उसमें डाली जाती थी, हरी हरी चीजें, कुछ कुछ चीजें डाली जाती थी, जिससे कि उर्वरा शक्ति उसका बना रहे, यानी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े। और दोस्तों अगली फसल में, जब इस बार फसल हो गई, तो अगली फसल में इस भाग में, जिस भाग में खेती होती थी उस भाग को खाली छोड़ दिया जाता, और दूसरे भाग में जिसमें गोबर राख दिया जाता था उसमें खेती होती थी, और ये जो खाली अभी पड़ा है उसमें गोबर राख वगैरह डाला जाता था। इससे क्या होता था कि दोनों में बराबर मात्रा में तब तक पोषक तत्व मौजूद होते थे, यानी पोषक तत्व जमा होते थे, और जब खेती किया जाता था तो उपज अच्छी होती थी और लोग अनाज खा पाते थे। यूं बोले दोस्तों कि अपने कुल जमीन का आधा हिस्सा हर खेती में खाली छोड़ दिया जाता था और आधा हिस्सा में ही खेती किया जाता था, ताकि आधे जो बचे हुए हिस्से थे उस हिस्से में अगली बार खेती किया जा सके, यानी अगली फसल उपजाया जा सके। इसी को कहा जाता था दोस्तों बौरानी खेती। तो इसमें दोस्तों हमारे देश की जितनी भी जमीन थी, जितनी भी कृषि क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र जमीन थी, उसका आधा हिस्सा तो ऐसे ही खाली पड़ा था। और दोस्तों उसमें बहुत बड़ी समस्या थी कि जगह जगह पे पानी, सिंचाई का व्यवस्था नहीं था, समझे? जो अनाज डालते थे वो अनाज से उतनी उपज नहीं हो पाती थी। यानी विभिन्न तरह की समस्याएं उभर के आ रही थी सामने। जब कृषि करने लगे लोग तो समस्याएं उभर के सामने धीरे 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 करके आने लगी। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों जब हम फसल उपजाते हैं तो फसल तो ऐसे ही नहीं उपजता। उस फसल को उगने में जो चीजें मदद करती है वो पोषक तत्व है दोस्तों। तो हमारे मिट्टी में टोटल 29 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने? 29 पोषक तत्व। और दोस्तों इन पोषक तत्व को पौधे अवशोषित करते हैं
और उस अवशोषित करने की वजह से, उस पोषक तत्व को अवशोषित करने की वजह ही पौधे पौधे फल का विकास होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है, तब वो अनाज का रूप लेता है, फल का रूप लेता है और उसे हम खाते हैं। तो ये पोषक तत्व तो सबसे पहले दोस्तों आते कहां से है? बोलेंगे सीधी बात है, मिट्टी से आते हैं। दोस्तों मिट्टी में ऐसे ही ऊपर में नहीं मौजूद होते हैं, ये हजारों फीट नीचे होते हैं, हजारों फीट नीचे होते हैं। जब दोस्तों ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी निकलती है, तो ज्वालामुखी के साथ ये ऊपर निकलते हैं और पानी के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, ये पानियों के रास्ते से हमारे मैदानी क्षेत्र में, हमारे कृषि योग्य क्षेत्रों में पहुंचते हैं और उस क्षेत्र में तब जब फसल बोया जाता है तो वहां से अनाज उपजती है। तो दोस्तों सिलसिला तो यूं चलता आ रहा है कि हजारों सालों से हम यही करते आ रहे हैं कि हम सिर्फ उसमें क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, यानी फसल उपजा रहे हैं, उपजा रहे हैं, उपजा रहे हैं, पोषक तत्व तो उसमें बने रहे, पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा मात्रा में रहे, ताकि हर बार फसल मेरी ग्रो हो। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। जब पोषक तत्व तो की कमी होने लगती थी तो खेती बाड़ी का उपज डाउन होने लगता था, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो 1960 के दशक में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, शायद आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं, तो उन्होंने हमारे देश में क्रांति लाया, जिस क्रांति को कहा गया हरित क्रांति। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति आप सभी लोग सुने होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे आज सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों उस हरित क्रांति में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना छुपा हुआ था। उस हरित क्रांति का मुख्य तीन उद्देश्य थे। सबसे बड़ा उद्देश्य तो कृषि क्षेत्र में हम सभी लोग आत्मनिर्भर हों, ये तो पहला उद्देश्य, लेकिन उस हरित क्रांति का मुख्य तीन उद्देश्य था, उस तीनों उद्देश्य पे काम करना था सरकार को। पहला, संकर बीज। हरित क्रांति का मुख्य तीन उद्देश्य, पहला पहली पहली चीजें, मुख्य उद्देश्य तो ये हो गया ना कि कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन उस हरित क्रांति के मुख्य तीन पहलू थे, तीन उद्देश्य थे। पहला चीज है संकर बीज, दूसरी चीज रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, और तीसरी चीज सिंचाई की उत्तम व्यवस्था। ये तीन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया हरित क्रांति में। अब एक एक करके समझते हैं ये संकर बीज क्या होता है। संकर बीज दोस्तों वो बीज होता है जिसे हम उन्नत किस्म का बीज कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अनाज जो बचते हैं, जैसे गेहूं बचता है, देखे होंगे जो गेहूं हम उपजाते हैं वही गेहूं फिर वापस बोते नहीं है, बोने के लिए मार्केट से अलग से गेहूं ले आते हैं। लाते हैं कि नहीं? नहीं लाते होंगे, तो आप देखे होंगे हमारे आपके पिताजी, दादाजी या फिर हमारे चाचा जी, हमारे आस पड़ोस के किसान, वो जरूर लाते होंगे, देखते होंगे साइकिल पे, बाइक पे लाते हैं और अपने खेतों में छिड़कते हैं। जो वो जो बीज लाते हैं उसे हम संकर बीज कहते हैं दोस्तों। वो एक उन्नत किस्म की बीज होती है, उस बीज को उस ढंग से तैयार किया जाता है कि हमारे घर के जो बीज होते हैं उनसे ज्यादा पैदावार देने की क्षमताएं उसके अंदर होती है, वो संकर बीज में। तो वो संकर बीज लाए गए, संकर बीज पर ध्यान दिया गया, संकर बीज बोने बोने लोग शुरू कर दिए। दूसरी चीजों, उस समय में रासायनिक खादों का प्रचलन चला, यानी रासायनिक खादों का उपयोग करना लोग उस समय में शुरू किए। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार प्रति एकड़ आप 4:2:1 यानी NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, 4:2:1 यानी नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और पोटास 1, यानी टोटल 7 KG आप 1 एकड़ खेत में डाल सकते थे। 1 एकड़ खेत में 7 KG एनपीके डालना था, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। देहाती भाषा में समझाते हैं, गांव में जैसे हम लोग यूज करते हैं क्या, यूरिया, DAP, पोटास। अब तो समझ में आया ना? तो वो चीजें डालना उस समय का रेशियो था कि 1 एकड़ में कितना डाला जाए, 7 KG। तो कौन कितना, तो वो भी बता दिए, 4 KG कौन सा, 2 KG कौन सा और 1 KG कौन सा, यानी 4 2 6 1 7, 7 KG का रेशियो। लेकिन दोस्तों ये 7 किलो तो हम डालते थे, तो जिससे 7 किलो डालने से हमारे हमारी कृषि जो है ना बढ़ने लगी, वो बीज की वजह से, संकर बीज की वजह से और रासायनिक खाद डालने की वजह से। और साथ ही साथ जगह जगह पे नहर नालों का विकास किया गया, जगह जगह पे कुएं खोदे गए, नाले पहुंचाए गए खेतों के आसपास में सरकार के द्वारा। लोग खुद ने कुएं खोदे, इसके बाद लोग बोरवेल लगाए यानी ट्यूबवेल जिससे पानी खींचा जाता था।
तो ये सारी चीजों का व्यवस्था धीरे 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 बढ़ने लगी, जिससे कि हर क्षेत्र में जहां जहां पानी की सुविधा नहीं थी वहां वहां पानी पहुंचने लगे और उस क्षेत्र में भी लोग कृषि किया करने लगे, जिससे हमारे देश में एक बहुत बड़ा भूचाल आया इस हरित क्रांति की वजह से। यानी दोस्तों हम पूरे तरह से आत्मनिर्भर एक तरह से बनने लगे थे और धीरे धीरे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए और हमारे देश में दोस्तों हर क्षेत्र में हर चीज में हम कंपटीशन देने लगे अन्य देशों को, जहां हमें 1947 के बाद अपने खाने के लिए दूसरे देशों से अनाज लेना पड़ता था, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या बन के आई थी, अनाज लेना पड़ता था और मन में खलती थी इतने कृषि योग्य भूमि हमारे पास है लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम खुद कृषि करते तो कितना अच्छा, ये कमी खलती थी। लेकिन आज हरित क्रांति की वजह से लोगों के पास ये सारी चीजें जब होने लगी तो लोग हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के फसलें उगाने लगे और हर क्षेत्र में धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। यानी हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र मतलब अलग अलग फसलों में उपज हमारे देश की इतनी होने लगी कि हमारे देश की जीडीपी बूम से ऊपर गई, यानी फटाफट 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 ऊपर, और हमारे देश के जीडीपी को उठाने में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे देश को कृषि प्रधान देश किया कहा जाता है। यदि दो 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 का दो दो बटा तीन यानी दो तिहाई दोस्तों हमारे देश में लोग जो है कृषि पे डिपेंडेंट है, आम भाषा में समझे तो हमारे देश में 75% लोग कृषि पे डिपेंडेंट है, 75% लोग कृषि किया करते हैं। अब सोच सकते हैं दोस्तों 75% लोग जब कृषि करेंगे तो हमारे देश में कितना अनाज उपजेगा और कितनी मात्रा में उपजेगा, और दोस्तों इस अनाज उपजाने की वजह से पूरे विश्व में 100% में से 25% अनाज सिर्फ भारत उपजाता है, यानी पूरे विश्व में जितना अनाज उपजता है उसका 25% सिर्फ और सिर्फ भारत उपजाता है, बाकी के 75% में बाकी सारे देश हैं, सोच के देखिए दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए साबित हुई। कुछ कुछ अनाज के मैं नाम ले रहा हूं और उस अनाजों को देखते हैं कि वो अनाज किस रैंक पे है। जैसे कि गेहूं के उपज में हम सभी लोगों का विश्व में स्थान दूसरा है। जी हाँ दोस्तों, गेहूं के उपज में पूरे विश्व में हम लोगों का स्थान दूसरा है। धान के उपज में पूरे विश्व में हम सभी लोगों का उपज दूसरा है, धान यानी जिससे कि चावल निकलता है। दलहन में दोस्तों पूरे विश्व में हम सभी लोगों का स्थान तीसरा है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा है। सरसों में हम सभी लोगों का उपज दोस्तों पूरे विश्व में तीसरा है। जी हाँ दोस्तों, गन्ना उत्पादन में पूरे विश्व में हम लोगों का स्थान दूसरा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मूंगफली में हम सभी लोगों का उत्पादन विश्व में दोस्तों दूसरा है। चाय पत्ती, जी हाँ दोस्तों, चाय उत्पादन में पूरे विश्व में हम लोगों का स्थान पहला है। जी हाँ दोस्तों, कपास उत्पादन यानी सूत, यानी कि कपास जिससे कि सूत बनते हैं, कपड़े बनते हैं, यानी रुई उत्पादन में पूरे विश्व में हम सभी लोगों का स्थान तीसरा है। और साथ ही साथ दोस्तों मशीनरी में यानी ट्रैक्टर वगैरह में विश्व में हम सभी लोगों का स्थान चौथा है। हालांकि दोस्तों, हालांकि सबसे ज्यादा मशीनरी सामान बनाने वाली कंपनियां भारत में ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग चौथे स्थान पे आते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोग धीरे 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 साड़ी उत्पादन में आगे बढ़ते गए। लेकिन दोस्तों इस उत्पादन को तो हम बढ़ा रहे थे, साथ साथ एक और चीज हमारे देश में बड़ा तेज रफ्तार में बढ़ रहा था, पता है क्या? जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या। जहां 1947 में हमारी भारत देश की आबादी 35 से 40 करोड़ थी, वो जनसंख्या दोस्तों बढ़ करके आज 2022 के आसपास में पूरे 139-40 करोड़ के आसपास में हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कहां 40 कहां 140, यानी 100 करोड़ की आबादी बढ़ी। और इस आबादी को चाहिए भोजन, उस आबादी को चाहिए रहने के लिए मकान। तो दोस्तों जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में तो हम आगे बढ़े और जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो समस्याएं भी बढ़ती चली गई। समस्या क्या बढ़ी? सबसे पहले लोग अपने रहने के लिए जगह जगह पे मकान बनाने लगे, तो जिससे कि बहुत सारे कृषि योग्य भूमि जो थे, कृषि लायक भूमि थे, उस भूमि पर लोग मकान बनाने लगे, तो इससे भूमि कम होने लगे। इसके अलावा
उस आबादी को भरपेट भोजन देने के लिए उसी खेत में, जो खेत में अनाज उगाते थे उसी खेत में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में केमिकल्स का रेशियो लोग बढ़ाने लगे, वो एनपीके का रेशियो लोग बढ़ाने लगे। जहां 7 डालते थे 10 डालने लगे, 12 डालने लगे, 14 डालने लगे, 15 डालने लगे, 20 डालने लगे। आज का तो छोड़ ही दीजिए। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रति एकड़ आज हमारे आपके खेतों में कितना खाद डाला जाता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना डाला जाता है, यूरिया, डीएपी, पोटास कितना डाला जाता है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई एमपी से होंगे, कोई बिहार से होंगे, कोई यूपी से होंगे, कोई उड़ीसा से होंगे, कोई झारखंड से होंगे, तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में प्रति एकड़ कितना खाद डाला जाता है। आज का रेशियो दोस्तों कहां 7 थे, आज 70 70 किलो खाद उस खेतों में डाले जा रहे। रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ? अनाज तो बढ़े, अनाज बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ा? मिट्टी की नमी कम होती गई, मिट्टी के पोषक तत्व कम होते गए। कहां से आएंगे पोषक तत्व? घींच रहे हैं, घींच रहे हैं, घींच रहे हैं, घींचने का तो सारा प्रोसेस, लेकिन डाल कहां रहे हैं उसमें? पहले हम लोग गोबर डालते थे, राख डालते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी डालते थे जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती थी। आज तो सिर्फ निकाल रहे हैं हम लोग, नए नए टेक्नोलॉजी से निकाल रहे हैं, नए नए तरीके से निकाल रहे हैं, सिर्फ निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। उन आबादियों को भरण पोषण करने के लिए तरह तरह के लोग निवेश कर करके अनाज को उपजाने के लिए तरह तरह के टेक्निक लगाते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? लोगों की दोस्तों लागत ज्यादा हो गई, इनकम कम हो गई, ज्यादातर मिट्टी दोस्तों क्षारीय हो गई है, ज्यादातर धीरे धीरे मिट्टी बंजर होती जा रही है, उपजाऊ योग्य भूमि जो थे धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। यानी दोस्तों इस खादों के प्रयोग से बहुत सारे नुकसान धीरे 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 सामने आ गए। उपज ना होने की वजह से ज्यादा लागत लग जाता है, लागत भी किसानों का नहीं ऊपर हो पाता, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों सोच के देखिए, जहां इतनी मात्रा में कृषि होती है, जहां से हर किसान खुश रह सकता था, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि उस खेतों में उपज लाने के लिए जितना बैंक से वो कर लेते हैं वो कर भी नहीं चुका पाते। जिस उम्मीद से वो कर लेते हैं कि इतनी मात्रा में हम कर ले रहे हैं, इतनी मात्रा में फसल उपजेगा और मैं बैंक का कर्ज अदा कर दूंगा, कर्ज की वजह से, उपज ना होने की वजह से, फसल बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश के किसान। और भी समस्याएं हैं, ये एक छोटी मोटी समस्या है, और भी समस्या है दोस्तों। और समस्या क्या हुई? साथ साथ हम अपने शरीर में उस तमाम तरह के केमिकल्स को यूज करने से शरीर में विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा कर ली है। जो जो बीमारी का हम आज तक नाम नहीं सुने थे, पहले हमारे गांव में, आपके गांव में एक वैद्य हुआ करता था, हमारी आपकी नाड़ी देख करके हमारे हर दुख का इलाज बता दिया करता था। आज के डेट में हर घर में लमसम देख लीजिए तो 95% घर में, यदि बच्चे की डिलीवरी हो तो 95% घर में तो बाहर हॉस्पिटल ही ले जाया जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी घर पे करवाते हैं, सब हॉस्पिटल में। और जब हॉस्पिटल जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे पैदा होने से पहले कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पहले लोग हट्टा तगड़ा हुआ करते थे, पहलवानी लड़ा करते थे। आज की डेट में क्या है दोस्तों, लोगों का शरीर इतना कमजोर हो गया है कि बरामदे से गिर जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। लोगों को हार्ट की बीमारी, मैग्रेन की बीमारी, समझे, बवासीर, तो क्या 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 क्या, समझे, पथरी, किडनी में स्टोन हो गया, बहुत सारी चीजें, मतलब हमको तो पता भी नहीं इतनी बीमारियों का नाम, जितनी बीमारियां आज भारत देश में है या फिर पूरे विश्व में है। ये सारी बीमारियां आई कहां से दोस्तों? ये सारी बीमारियों का जड़ क्या है दोस्तों? जड़ कहीं ना कहीं देखें तो वही जड़ है जो हम खा रहे हैं। आज हमारी आयु घट गई है दोस्तों। पहले के लोग 110 साल, 115 साल, 120 साल जिया करते थे, आज लोग 60 साल, 65 साल में मर रहे हैं, आधा उम्र हो गया। दोस्तों इस बात की क्या गारंटी है कि कल के डेट में, यदि आज हमारी उम्र 60 या 65 पे आ गई है, तो कल के डेट में हम सभी लोग 30 35 पर नहीं मरेंगे? बहुत सारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, आने वाले हमारे पीढ़ी, हो सकता है कि आज आप 30 35 साल के होंगे, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले जनरेशन इस उम्र में डेड कर चुके होंगे, उनका लास्ट समय ये समय चल रहा होगा।
शायद हम लोग 60-65 तक चले जाएं, लेकिन वो लोग जो आने वाले पीढ़ी होंगे शायद वो 30-35 साल में मरने लगे। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां दोस्तों और भी कम समय में मरने लगे, 10 से 15 साल में मरने लगे। यूं तो भारत में पूरे विश्व में मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा दोस्तों। जो भी हम खाते हैं, हम दूध खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, पिज्जा बर्गर, दुनिया चांद की जितनी भी चीजें खाते हैं, किसी न किसी मात्रा से केमिकल हमारे शरीर में आती ही है। बोलेंगे दूध से कैसा? दोस्तों आहार श्रृंखला जब आप पढ़ेंगे, आहार श्रृंखला जानेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ तस्वीर आपके सामने भी दिख रहा होगा। हम लोग क्या डालते हैं अपने खेतों में? डालते हैं क्या? कीटनाशक डालते हैं। पानी होता है, पानी के साथ बह करके वो कीटनाशक कहां पहुंचता है? पानी में। पानी में पहुंचता है, तालाब में पहुंचता है, तालाब में मछलियां होता है, उस मछलियां को हम लोग खाते हैं, नहरों में पहुंचता है, उस नहरों की मछलियां हम लोग खाते हैं, उस नहरों में पल रहे बहुत सारे जीव हैं, उनकी आयु कम हो गई है, उस जिस खेतों में हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उसको जानवर खाते हैं, उस जान गाय खाते हैं, भैंस खाती है, उसका हम दूध निकाल के खाते हैं, उस दूध के माध्यम से हमारे अंदर केमिकल आता है, उस दूध से पनीर बनता है, पनीर में केमिकल है। यानी देखा जाए ना, ये चक्र जानेंगे ना, पूरे चक्र किसी भी चीज को जो हम खाते हैं उस किसी भी चीज में केमिकल नहीं है, ऐसा नहीं है, सब में केमिकल है। और धीमा जार डायरेक्ट यूरिया डीएपी पोटास हमने खा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 वही चीजें खा रहे हैं और धीरे धीरे हम मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, अपना उम्र आधा कर लिए हैं, हजारों तरह की बीमारियां हम अपने शरीर में पैदा कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप सभी लोग हमारी बातों से 100% सहमत होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही है। निदान क्या है दोस्तों? ये सारी समस्याएं हैं। ये ट्रेनिंग पूरे 2 दिनों का है दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने लगूं तो पूरे दोस्तों इस ये वीडियो को बनाने में मुझे तकरीबन 8 घंटे लगे गए, लेकिन मैं इसको चाहता हूं कम से कम समय में निपेटूं। और ये बहुत सारी जानकारियां जो मैंने आपको दी हैं यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज्यादा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं तो किसी गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके एक बार इस गैल्वे कृषम ट्रेनिंग को पूरा जरूर अटेंड कीजिए। कृषि का इतिहास आपको पता चल जाएगा, क्या हम लोग कर रहे हैं और किसके वजह से क्या हो सकता है, पूरे इतिहास हम सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो निदान क्या है दोस्तों? निदान तो कुछ भी नहीं, बस हमें उस खेती पे आना पड़ेगा दोबारा जो खेती हम करते थे। तो क्या वो खेती संभव है? बौरानी खेती नहीं दोस्तों, वो बौरानी खेती संभव नहीं है जो 1960 से पहले हुआ करती थी, आधा खेत खाली आधा खेत में खेती करो, वो संभव नहीं है। हम सभी लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी, नई सिद्धांतों के साथ काम करना पड़ेगा दोस्तों, और उसी चीजों को ध्यान करते हुए, हमारे देश की इसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, और इन ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है कि पूरी तरह से हमारा आयु सिर्फ खान पान यानी केमिकल्स वाले खान पान की वजह से नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण की वजह से भी हमारा आयु कम हो गया हो, लेकिन दोस्तों उस पर्यावरण को दूषित करने वाले भी तो हम भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे शरीर को जीने में जो मदद मिलता है वो खाना, खाना। तो दोस्तों उस खाना को हम किसी भी रूप में ले रहे हैं तो केमिकल जा रहा है, और केमिकल धीमा जा रहा, हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है, हमारे शरीर को कमजोर कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए, और हमारे देश के इस आम समस्या को ध्यान रखते हुए, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर चीतर हांडा, मिस्टर संजीव छिब्बर सर, मिस्टर सरबजीत सर, इन तमाम लोगों ने मिलकर के हम सभी लोगों के लिए ट्रेनिंग बनाया गैल्वे कृषम, और इस ट्रेनिंग के साथ हम सभी लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है एक जानकारी उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाती है, जो हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने में मदद करेगी, फिर से उस हरित क्रांति की तरह क्रांति लाने में मदद करेगी, और हम सभी लोग केमिकल्स मुक्त अनाज उपजा पाएंगे, और हम सभी लोग केमिकल्स मुक्त अनाज भरपेट खाना खा पाएंगे, और अपनी आयु को भी शायद बढ़ा पाएंगे। अपने आने वाले बच्चे जो पेट में मां के गर्भ में बीमार पैदा होते हैं उसको स्वस्थ कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे हमारे ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के गैल्वे कृषम में दोस्तों 11 प्रोडक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि 11 प्रोडक्ट हैं। उस 11 प्रोडक्ट को हम सभी लोग अपने कृषि में उपयोग में ला करके एक बहुत बड़ी बदलाव हम सभी लोग अपनी खेती में कर सकते हैं, और एक अच्छी मात्रा में जितनी कृषि योग्य भूमि अभी है उस कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित बना सकते हैं, उस कृषि योग्य भूमि में अधिक से अधिक मात्रा में अनाज उपजा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकते हैं। दोस्तों उस
कुछ प्रोडक्ट की मैं आपको नाम ले रहा हूं, जैसे कि दोस्तों पहले प्रोडक्ट है जीसी पावर जो कि बाल्टी में है 10 केजी, जीसी पावर बैग में है दोस्तों ये भी 10 केजी, इसके अपार जीसी एडवांस दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जीसी लिक्विड है, इसके बाद दोस्तों जी बायो ह्यूमिक है, इसके बाद दोस्तों जी भैम है, इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, 11 प्रोटोटल प्रोडक्ट है, मैं बता ना जी डर्मा है, जी एनपीके है, जी स्यूडो है, ये तमाम तरह के टोटल 11 प्रोडक्ट है दोस्तों। ये 11 प्रोडक्ट हम सभी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में यानी अलग अलग खेती में अलग अलग तरीके से यानी हर खेती में हर तरीके से प्रोडक्ट आने वाले कमाल के प्रोडक्ट है, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है इसमें जो एक प्रोडक्ट एक ही चीज में डाल सकते हैं, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो एक प्रोडक्ट कई फसलों में डाल सकते हैं और उस फसल की ग्रो को हम रफ्तार में बूम से ऊपर उठा सकते हैं। इसके बहुत सारे रिजल्ट हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी ले रहे हैं। कुछ वीडियो हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारी जानकारियां आपको बहुत सारे और गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर से भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये गैल्वे कृषम के हर एक प्रोडक्ट हमारे कृषि क्षेत्र में हमें फिर से आत्मनिर्भर, अभी भी आत्मनिर्भर है लेकिन दोस्तों आत्मनिर्भर हम उस ढंग पे नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश में अनाज तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में उपजा रहे हैं लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं ना जो हमारे अनाज को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होते, पता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। जब टेस्ट होता है तो दोस्तों टेस्ट में पास नहीं होता हमारा अनाज और बहुत सारे बड़े देश हमारे देश को के अनाज लेने से मना कर देते हैं। उससे क्या होगा, अनाज खराब हो जाएंगे, अनाज रखे रखे गोदाम में सड़ जाएंगे और किसान को होगा नुकसान, किसान करेंगे आत्महत्या। तो दोस्तों जब हमारा अनाज भी टेस्ट में पास होगा तो विदेश जाया करेगा, बड़े बड़े देश हमारे देश के अनाज को लिया करेंगे, इससे हमारे देश की जीडीपी और भी तेज रफ्तार में बढ़ेगी, शायद $1 के मुकाबले ₹1 हो जाए। लेकिन आज $1 में दोस्तों यदि ₹75 हम अपना इंडियन एड करें तब जाकर ₹1 होगा। हमारे भारत देश से अलग हुआ दुबई, भारत देश से ही अलग हुआ दुबई, लेकिन यहां का ₹20 लेके जाएंगे तो वहां का ₹1 दुबई का होगा, सोच के देखिए दोस्तों। जो भी कारण रही हो ये कलर मीटर में, ये कृषि ट्रेनिंग संबंधित बातें नहीं है, एक्स्ट्रा मैं आपको नॉलेज कुछ दे रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीजें जानना बड़ा जरूरी है, तो हमें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, कृषि क्षेत्र को बेहतर से बेहतर बनाना है तो दोस्तों हमें ग्यारहवें कृषम को जरूर इस्तेमाल में लाना चाहिए। और दोस्तों जो लोग इससे इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग जरूर बता पाएंगे कि ग्यारहवें कृषम कितने बेहतर प्रोडक्ट है। एक बार जरूर रिक्वेस्ट है कि पूरी तसल्ली से जानकारी पहले लीजिए इस ट्रेनिंग का और एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, यदि आपको रिजल्ट समझ में आए तो आप दोबारा इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप जैसी खेती कर रहे हो वैसे तो करेंगे ही। क्लियर दोस्तों, तो इस 1x1 सारे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग यानी इस प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है, किस किस चीजों में इस्तेमाल करते हैं और कितना मात्रा में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी एक एक करके इस 11 प्रोडक्ट की 11 वीडियो, संभवतः 11 ना हो तो 9 वीडियो या फिर 11 वीडियो, एक एक करके हर प्रोडक्ट की वीडियो आपको इस चैनल यानी रोशन 760 गैल्वे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी अच्छी तरह से फिर से यदि नहीं समझे तो देखिए और नहीं यदि आप समझ चुके हैं तो अगले वीडियो को देखने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सुबह के 8 बजे या फिर शाम के 5 बजे या फिर 4 बजे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और जब भी फ्री हो तो आप इस वीडियो को देख पाए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। दोस्तों जानकारियां तो बहुत सारी है लेकिन जितनी भी जानकारियां मैंने आपको बताई संभवतः दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से आम तरीके से आम भाषा में समझाने की कोशिश की जो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पाए ताकि उनको कृषि की सही जानकारी मिल पाए, कृषि संबंधित ये यूनिक जानकारियां उनको मिल पाए, गैल्वे कृषम प्रोडक्ट के बारे में वो जान पाए और उसका इस्तेमाल करके वो लाभ उठा पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत यूनिक टॉपिक के साथ, अलग अंदाज में, नई जानकारी के साथ। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।